मंडला जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में रानी दुर्गावती प्रतिमा लगाने सहित अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पिछले दो दिनों से धरने पर बैठे छात्र संगठन ने प्राचार्य की अनदेखी से नाराज डिंडोरी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मंडला जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडला डिंडोरी मार्ग में चक्का जाम कर दिया, जिसमें दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चक्का जाम करीब 3 घंटे से ज्यादा तक चलता रहा, जिससे वाहन चालक खासे परेशान होते नजर आए। चक्का जाम की सूचना पर मंडला तहसीलदार कमल सिंह सिहार ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, मगर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर छात्र डटे रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया जाएगा, चक्का जाम खत्म नहीं होगा। प्रदर्शन की वजह ये थी कि यहाँ पे सबसे पहले रानी दुर्गावती जी के नाम से, जिस नाम से ये विद्यालय है, 1961 में महाविद्यालय की स्थापना हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी तक रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा को नहीं लगाया गया है। यहाँ तक कि पैसा भी अलॉट हो गया है, लेकिन प्रतिमा को नहीं लगाया गया है। हमारी रानी दुर्गावती जी जो गोंडवाना का गौरव है, वैभव, वो वहाँ पे एक किनारे लटक रही है। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने इस मांग के लिए कल से हम लोग टेंट लगा के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रचार अभी तक नहीं आए हैं। चक्का जाम की, ये महाविद्यालय नेशनल हाईवे में है, यहाँ पे 10 चक्का ट्रक 8 चक्का ट्रक आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे महाविद्यालय में हमारी ये मांग थी, 4 सालों से चल रही है, कि यहाँ पे ब्रेकर लगाए जाएं, क्योंकि सभी हाईवे तो तेजी से गाड़ी लाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेकर अभी तक नहीं बना। पिछले बार तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते शायद उनका अभी तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है 15 दिन हो गए हैं, तो अभी तक यहाँ पे ब्रेकर नहीं लगेगा, जबकि ब्रेकर लग सकते हैं। जो प्लास्टिक के ब्रेकर रहते हैं उसको खीले से ला के ठोक सकते हैं। और हमारी यही मांग है कि यदि ब्रेकर यहाँ नहीं लगे तो हम लोग चक्का जाम करके रहेंगे, भले वो 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए। हमारी मांगे यही है कि ब्रेकर लगा जाए और हमारी सुरक्षा ध्यान में रखी जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्वशी राय है, मैं उर्वशी राय विभाग संयोजक महाकौशल प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। परिषद लगभग 1.5 साल से और उसके पूर्व से मूर्ति की मांग करते आ रहा है, रानी दुर्गावती, जो हमारे गौरवाना साम्राज्य की गौरव रही है, परंतु उसके बाद भी प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन एक भी नहीं सुना। हम कल से धरने पर शांतिपूर्वक बैठे रहे, प्रशासन को कोई व्यक्ति भी नहीं आया। महाविद्यालय में इतनी अनियमितताएं हैं, विद्यार्थियों का रिजल्ट बिगड़ रहा है, क्लासेस नहीं लगती हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? शांतिपूर्वक बहुत बार, कम से कम 8 बार इस वर्ष में ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु उसके बाद भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पानी की मूलभूत सुविधाएँ नहीं है इस महाविद्यालय में। उसके बाद भी जब हम प्रचार से बात करने आते हैं, उनके पास समय नहीं रहता हमसे बात करने के लिए। ऐसी बहुत सी अनियमितताएं यहाँ इस महाविद्यालय में चल रही हैं, जिसे लेकर आज यहाँ पे चक्का जाम किया गया। यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं, ब्रेकर की मांग हम करते आ रहे हैं लगभग 2 महीने से। प्रशासन द्वारा कहा जाता है बन जाएंगे, परंतु जब तक यहाँ पे ब्रेकर नहीं बनाया जाएगा, आज विद्यार्थी परिषद और समस्त छात्र से कल जो ABUP संगठन है, उनके छात्रों द्वारा रानी दुर्गावती जी का स्टेचू कॉलेज में स्थापित करने की बात को लेकर धरना दिया था, और आज RD कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनने अपने स्टाफ के साथ में एक आवेदन थाने में दिया है कि जो ABUP के रामाधार जी जो हैं, उनने और कुछ उनके सहयोगियों ने छात्रों के साथ मिलकर कॉलेज में तालाबंदी कर दिया और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया है और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच की जा रही है। इसमें क्या कार्रवाई है? अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, दूसरा पक्ष भी आके मिला है, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए? दूसरा पक्ष रामाधार जी जो है, वो आए थे कुछ छात्रों के साथ में। उनका कहना है कि हमारे द्वारा कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है, हमने जो कॉलेज में जो छात्रों की मांग है, उस मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मेरे सामने थे, उन्होंने केवल वर्तमान में गति और उधक की मांग की थी, उसके बाद अभी इन्होंने एक कागज दिया है, इसमें इनके 17 प्रकार की मांगों का उल्लेख किया हुआ है। तो इन मांगों के संबंध में परीक्षण कर जो भी उचित निराकरण प्रशासन स्तर पर होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, छात्रों के द्वारा चक्का जाम किस प्रकार की समझाइश दी गई कि भाई इनकी जो मांग है उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी, चक्का जाम खत्म करें, उससे अनावश्यक लोगों को परेशानी होती है,
तो अधिकांश लोग सहमत तो हो गए हैं, उसके बाद अब देखिए इनकी क्या बात रहती है। सर जैसा अभी ये कह रहे हैं कि जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा, शिक्षा विभाग से बात हो गई है, वो लेके आ रहे हैं बनाने, तो अभी स्पीड ब्रेकर बनेगा सर, आज बन जाना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हंगामे के बाद उनकी मांगों को निराकरण होता है या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।